एसकेपी विद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य, सभी शिक्षकगण और मेरे नौनिहाल भारत के मेरे सामने भविष्य सृजन करते हुए हमारे बच्चे, आप सबको इस हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। ठीक है, चलेगा। जब आदमी खुश होता है तो मारता है, हंसना है और घटा के हंसना है, क्योंकि हंसने से जब घटा के हंसी करते एक के बराबर फायदा होता है, पता है। आजादी आजादी हमको चाहिए और हिंदी हम लोग क्यों पढ़ते हैं? आजादी के लिए। आजादी क्यों आजादी? क्योंकि बोलने में दिक्कत नहीं होती। हम लोग मातृभाषा क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कहते हैं कि आदमी बाप से तो डरता है, माँ से नहीं डरता। सही? हर बच्चा जो है, राजा बाबू हो या नहीं, राजा बेटा जरूर होता है। हर माँ अपनी बेटी को रानी ही बोलती है, तो उसमें आपको क्यों सहजता क्यों? बहुत ही कुछ बोलने वाला आदमी हो आपके पास, एकदम बात कीजिएगा। बच्चे, रात में आपको अगर पता नहीं चले कि सामने वाला आदमी इंग्लिश मैन है कि फ्रेंच है, कुछ नहीं करना है, अंधेरा कुछ देर चेकअप आइए, एकदम बोलेगा एकदम बोलेगा। आप लोग ना, अरे आप लोग कर दीजिए, कुछ नहीं है। अगर आप तुम लोग मार के उसको देखोगे ना यार, तो तुरंत बोलेगा अरे भैया, उसको उस समय माई फादर माई गॉड यार कुछ नहीं जाता है। उसका उदाहरण तुम्हारा शिक्षक महोदय, इंग्लिश का टीचर है, हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश का टीचर होकर के हिंदी में लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम इंग्लिश हो सकता है, लेकिन हमारी अनुभूति का माध्यम इंग्लिश नहीं हो सकता है। और हिंदी जो है हमारी अभिव्यक्ति का भी माध्यम हो सकता है और अभिव्यक्ति का भी माध्यम होगा, मतलब जो आप अनुभव करते हैं उस बात को अगर कहीं सहज ढंग से रख सकते हैं तो वह है अपनी माँ के पास। और माँ की भाषा कौन सी है? हिंदी। हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी हिंदी पढ़ना, अब देखो हिंदी हिंदी पढ़ना क्यों जरूरी है? अगर करीना कपूर बनना है, फिल्म में जाना है, अगर नरेंद्र मोदी बन रहा है तो मित्रों, अगर कलाम बनना है तो विंग्स ऑफ फायर करना पड़ेगा। हिंदी दिवस मनाने का मतलब हम लोग राजभाषा नहीं बनाना चाहते, हम लोग इसको जनभाषा बनाना चाहते हैं। और हिंदी के दिवस में बहुत बड़े बड़े संग्राम इसीलिए खराब हो गए कि हम लोगों ने बड़े बड़े मठ वाले पैदा हो गए, बड़े बड़े मठाधीश पैदा हुए। हम लोग बगल में हम लोग के प्रिंसिपल साहब बंगाली बैठे हुए हैं,
सुंदर लग रहा होगा कि हमार सुनार बांगला नीच भाषा हमके भूल, अरे बिना हिंदी के काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। हम हिंदी, हम उस हिंदी को मानते हैं जिसमें हिंदुस्तानी है, जिसमें बंगला भी है। आपके प्रिंसिपल साहब जब जाकर चलोगे खाते हो, जब खाओ, और आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में पानी पीने का तरीका भी वही है कि जल को भोजन की तरह घूट घूट करके पीना चाहिए। जानी भी वे उनके यहाँ जो वर्ड है पीना, हम लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वास्तव में हम लोगों को हिंदी को उसको लेना चाहिए। और हम लोगों ने अंग्रेजी कोई गलियाने का भी नहीं है। आज अपने आपको जैसे हिंदी अगर मान है तो अंग्रेजी आपकी मौसी की तरह है। अगर अगर माँ का वैल्यू है तो मौसी का वैल्यू है। हिंदी की बात सुनिए, जहां भी जाइएगा आप लोग तो आप लोग पंजाबी फिल्म देखे होंगे, उसमें रोने का बड़ा कल्चर है कि हिंदी में ये नहीं हुआ। रुदाली को देखिएगा, कोई मर जाए रुदाली हर किया जाके रोते है। तो हिंदी वाले जहाँ भी जाएंगे पहले रोएंगे कि मेरा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। अरे भैया, आपने हिंदी वालों के साथ हम लोग के साथ दिक्कत क्या है? प्रिंसिपल साहब जब हिंदी बोलते हैं तो हम लोग इनका गलती निकालते हैं। ये नहीं कहते हैं कि आप इसमें नॉन हिंदी हो करके और आपने जो हिंदी बोला वो हम बंगाल, हम बंगाल में जाकर बंगाल नहीं बोल पाते, तो हमसे तो महान आदमी है ये। हम लोगों को यह सोचना चाहिए एक आदमी बड़ा तो कम से कम हिंदी सीखा। रोज पढ़िएगा हिंदी दिवस के आयोजन में सबसे दिक्कत क्या है। आज दक्षिण भारत में प्रदर्शन हो रहा होगा, तमिलनाडु में प्रदर्शन हो रहा होगा कि तमिल को राष्ट्रभाषा राजभाषा क्यों नहीं। अरे भाई, हम तमिल को कहाँ बोलते हैं? आप इंग्लिश का जो वेबस्टर डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हर वर्ष हिंदी का 10 शब्द अंग्रेजी हो जाता है। आप लोगों को पता है नहीं पता है? 10 वर्ड जो है, और आपको पता होना चाहिए इंग्लिश के प्रोफेसर है, लेस देन 100 अंग्रेजी का अपना शब्द है। इंग्लिश इज कॉल्ड बैग ऑफ बर्निंग। उसमें मात्र 100 शब्द से 98 शब्द हैं जो इंग्लिश के अपने शब्द हैं, बाकी वह जर्मन है, फ्रेंच है, लैटिन है, हिंदी है, उर्दू है, सब का पहले। अब लाठी तो है, इंग्लिश में लाठी एक्सेप्ट कर लिया, जुगाड़ एक्सेप्ट कर लिया। ये जुगाड़ के मधी जो होता है हम लोग का बिहारी, जुगाड़ मतलब क्या, किसी तरीके परीक्षा पास कर जाना है। प्रणव जी आपको जब बताएंगे तो बोलेंगे कि देखो भाई, आईएएस का जो यही जीवन, आईएएस का जीवन का नहीं हो सकता है, पदाधिकारी बनना जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है। अगर क्योंकि आप अगर ये लक्ष्य होता तो आईआईटी से करने वाला जिला पदाधिकारी होने के बाद कोई आदमी आत्महत्या करता है, बक्सर का जीवन आत्महत्या करता है, कारण क्या है? उन्होंने जीवन नहीं सीखा, आपके लोगों के साथ रहना नहीं सीखा। हम बता रही, आप जब गुरुकुल में जाते हैं तो पहला लक्ष्य क्या होता है? आप अपना जूता बाहर निकालते हैं। जूता बाहर निकालने का मतलब आप अपने अहंकार को बाहर रखते हैं। आपको और हमको मिल करके क्या करना है? हिंदी भाषी समाज का भी निर्माण करना है। हमको निर्माण करना है हिंदुस्तान का, जहाँ पे सब भाषा का जो विकास होगा। अगर मान लिया पूरे गांव गरीब है और एक आदमी अमीर हो गया तो समूचे गांव में क्या करेगा? उसको वो पियाएगा रात में। इसलिए हिंदी को अलग कोई महाद्वीप या द्वीप नहीं बनाना है। हम लोग को क्या करना है? हम लोग को
कहता है ना गजानन माधव जी बोलने का कि हम लोगों को क्या करते हैं, हर महादेश के इस देश जनपद में एक बस्तर चाहिए और समाज को साफ करने के लिए मेहनत चाहिए। तो हमें तो ना मेहनत चाहिए ना बस्तर चाहिए, हमको तो बेहतर चाहिए, हमको तो बेहतर बिहार बनाना है। तो हिंदी का जो संरचना है, आप हिंदी का दो वर्ड समझ लीजिए, इंग्लिश का वर्ड लेना है लेकिन उसका सिंटेक्स नहीं लेना है। सिंटेक्स का मतलब होता है आप जो लेते हैं धर्म एस भी, आप जो करते हैं सब्जेक्ट धर्म ऑब्जेक्ट का जो आपका कम्बिनेशन है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अंतर है। तो वो सिंटेक्स का जो स्ट्रक्चर वाक्य विन्यास जिसको बोलते हैं वो हमारा अपना होना चाहिए। वो चीज़ हम लोग अगर लेते हैं, मान लिया आपको कोई कहा बच्चे एक मिनट बताइए, अगर कोई बोलता है आपको कि तुम यार जल लेने जाओगे, तुम पानी लेते आना, तो पानी लेते आना तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को पानी को तो लेना चलेगा, इंग्लिश में टेप भी होता है, एक वर्ड का दिया। लेकिन अगर आपने अगर उसी चीज़ को मार्केट में कहा कि तुम चाय लेके आना, तो दूसरा आदमी सामने क्या करेगा, मार्केट से चाय खरीद के लाएगा आपके लिए। तो मीनिंग बदल गया, हम लोगों ने सिंटेक्स का प्रयोग जो इंग्लिश वाला ले लिया। अब करीना कपूर वाला इंग्लिश बोलिएगा, व्हाट आई डिड नो, अब पैसा सारा कमाना हिंदी का और बोलना इंग्लिश को मिला जुला करके, तो ये इंग्लिश नहीं है एक्चुअली, इंग्लिश है। और हम लोग तो उस पर ही गर्व होना चाहिए, कम से कम इंग्लिश बोलने वालों को तो हिंदी वालों ने ये बता दिया कि फिल्म कहीं भी बनाओ लेकिन तुमको डब करना पड़ेगा हिंदी में। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, अगर मारा तो राजशेखरन को अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करना पड़ेगा और ये चीजें हो रही है। और हिंदी बढ़ रहा है, वो हम लोग के कहने से नहीं बढ़ रहा है, भारत माता के जो सपूत हैं। अब गूगल में आज टाइप कीजिएगा, याद कीजिए गूगल में अब जो फॉन्ट है वो कौन सा फॉन्ट आ गया है। अब तो त्रुटि देव से मंगल हो गए तो सब जगह मंगल अभी मंगलाचरण सुना रहे थे हम लोग के सर्वे ग्रह शांति करा भवंती, तो शांति के लिए क्या जरूरत है, मंगल आचरण होना चाहिए हमारा। और मंगल आचरण ये हम लोग कह रहे हैं तो हिंदी का ही विकास हो जाएगा। अब हम लोग को संस्कृत वाले लोग अब हिंदी के साथ एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है कि प्यूरिस्ट और नॉन प्यूरिस्ट बोलेंगे कि तू हिंदी तो बोलता है लेकिन अंग्रेजी मिला देते, अरे भैया कुछ तो बोल रहा है ना। और हिंदी और अंग्रेजी में कोई बैर नहीं है, आपकी भाषा दिमाग से जो काम चलता है वो आपका भाषा इंग्लिश है और जो दिल से सोचते हैं वही आपकी हिंदी है। तो दिल और दिमाग को मिला के चला, इंग्लिश से कोई विरोध नहीं रखना है। हम आपको बताते हैं, मैं खुद इंग्लिश ऑनर्स के विद्यार्थी हूँ इसलिए, और मैं हमको अच्छा लगता है, आई फील वेयर द माइंड इज विदाउट फियर जब रहते हैं। अगर रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया तो कहने का मतलब ये है कि आपको फील करना चाहिए और जिस भाषा में आप व्यक्त करना चाहते हैं करिए। हिंदी ने कभी भी आपके हिंदुस्तानियत का प्रश्न नहीं लगाया है, सब भाषा नगरी का और भाषा जो है संस्कृति का बाहर के पता रह जाता है। मान लिया आपको अंगिका का अगर नहीं आता है तो अंगिका का जो वर्ड है कुछ का कल्चर आपको वर्ड इंग्लिश में नहीं मिलेगा। कल्चर का मतलब यह है कि खाना किस तरीके से बनाने का तरीका है, वह शब्द के साथ संस्कृति जुड़ी हुई है। तो हम लोगों को भाषा आज एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र चला हुआ है भाषा विज्ञान का, उसमें विलुप्त होते भाषाओं को बचाना है और लिपि को बचाना है। तो हम लोग एक बात और सबको बताएंगे, सभी बच्चे को पता है हिंदी और इंग्लिश में फर्क क्या है, कोई बच्चा बोलेगा हिंदी में
और इंग्लिश में फर्क क्या है? हिंदी और इंग्लिश में मुख्य फर्क बाबू यही है कि हिंदी में जो बोलते हैं वही लिखते हैं, और इंग्लिश में जो बोलते हैं वो लिखते नहीं है। वो चरित्र भी दिखाता है दोनों कल्चर। जैसे नाइट, के नाइट ये की हो जाएगा नाइट, तो उसका मीनिंग क्या हो गया? राजा कथुरा रूप, राजा कहते हैं वहां पे नाइट हुड हो गया। और अगर एन आई जी एस टी ही राजा के नहीं लगा तो हमारा रह गया तो नाइट हो गया रात्रि। तो आपको कैसे उच्चारण करना है, अब भी कहीं भी साइलेंट होगा, कहीं एस साइलेंट होगा, कहीं साइकोलॉजी अगर आपको लिखना है तो फर्स्ट साइलेंट होगा। तो ये चीज क्या है, जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर ने अब हम लोगों का जो किया जाएगा आपको बता रहे हैं, ये जानना है हम लोगों को, हम लोग को हिंदी वालों को गुरुदारी का ऐसा होना नहीं है। भविष्य मेरा है, 19वीं सदी अगर इंग्लैंड का था, 20वीं सदी अगर अमेरिका का था, तो 21वीं सदी भारत का है। आज आपको जान करके खुशी होगी 127 देशों में हिंदी बोली जाती है और हर 14वां व्यक्ति जो है वो हिंदी भाषा है। आप भी रो रहे हैं, आप भी रोने का क्या आप हो सकता है? हम लोगों का हिंदी में जो इंग्लिश आपके लिए साइंस की बोली की रोएगा, कहेगा कि हम लोग को साइंस जो है इंग्लिश में, अरे यार पढ़ने दीजिए ना, जब बच्चा पढ़ जाएगा उसका दिमाग विकास कर जाएगा उसको याद आएगा। माँ के घर जाने के बाद ननिहाल का भी याद आदमी को आता है ना, yeah! मामा के घर सब जाना चाहता, थोड़ा क्या है आजादी है मामा, हर सब आदमी जाना चाहता। तो आपको ये बता रहे थे साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा क्या होगा कि अब टॉकिंग कंप्यूटर आने वाला है। अभी तक हम लोगों ने क्या बनाया, राइटिंग कंप्यूटर है। कंप्यूटर कुछ छोटी भी है उसमें जो बताएगा जीरो और वन में फॉर्मूला भी बदल देता है और उसी को भाषा समझता है कंप्यूटर। लेकिन जो हमारा टॉपिक कंप्यूटर होगा, आज जब आप गूगल पर बोलते हो तो लिखता है, तो अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो जो बोलेंगे वही टाइप करेगा। और ये चीज सिर्फ और सिर्फ इसके साथ है जो संस्कृत निष्ठ भाषाएं हैं, संस्कृत का जो ग्रामर पाली ने तैयार किया वैसा किसी के पास पूरे वर्ल्ड में ग्रामर नहीं। और उस ग्रामर से, उस चीज से हम लोग हिमालय हमारा संस्कृत है और संस्कृत से निर्मित सारी भाषाएं हिंदी, जहाँ पर जो बोला जाता है लिखा जाता है वो जो देवनागरी लिपि इसलिए नहीं है कि देवताओं ने बोला था। देवताओं का आचरण होता है कि जो बोलते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही करते हैं, इसलिए देवता है, इसलिए देवनागरी है। इसलिए देवनागरी भाषा में जब हमारा टॉकिंग कंप्यूटर आएगा उस समय देवनागरी संस्कृत को सबसे श्रेष्ठ माना गया लैंग्वेज होगा और सबसे अच्छी भाषा हिंदी भाषा होगी। और हमारा गूगल हेडक्वार्टर पे अब कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो है बस बादल समझता है ना। एक बार अपने लिए भी बजा लो यार। देखो बच्चा जो है ना यार भगवान के रूप क्यों माना जाता है, इसलिए नहीं माना जाता है कि वो कोई चीजों को उसको डराना है, नहीं। भगवान का रूप इसलिए माना जाता है कि भगवान किसी के अधीन नहीं होता, स्वतंत्रता है और जो सोचते हैं वही बोलते हैं। तो तुम्हारे ऊपर अभी अगर जैसे जैसे बच्चा को देखोगे, बच्चा जन्म लेता है और आकार बदलता है, अब जो भी पढ़ते जाता है आखिर कोई तो बात है गोदरेज की बेटी जो है कि, और अगर आर हम तो उनका क्या है, जितना आदमी पढ़ रहा है उतना ही कमजोर होते जा रहा है। अवसाद हमारे यहाँ लक्षण नहीं था, हम लोगों का देश कहा गया कि जो रघुनाथ के देश में कोई अनाथ नहीं हो सकता,
और कोई यहाँ उदास नहीं हो सकता, लेकिन हमारे यहाँ अब डिप्रेशन की संख्या बढ़े, जो डिप्रेस्ड पीपल है उनकी संख्या बढ़े। कारण यही है कि हम लोग सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अब आपको परीक्षा देने में डर लग रहा है, बोलने में डर लग रहा है, सारा चीज में भी होना है, और यहाँ तो विद्या का विहार जब बन गया तो आहार भी तो मिलेगा ही। आहार और विहार का जब संगम होगा तो विद्या का विहार बन जाएगा। तो इस तरह से अपने विद्यारण्य को विहार जो बना था, विहार जो सब क्या करते हम लोग जीवा के प्रणाली से काम करते हैं। एक बार एक व्यक्ति को भेजना था, उसी के साथ खत्म करेंगे। एक बार एक व्यक्ति को भेजना था, तो कहाँ भेजना था उसको, अंतरिक्ष में हुआ। बिहारी दिमाग देखिए कैसे काम करता है। एक आया बोला कि भाई कौन जाएगा इसमें, पंजाबी आया बोले देखिए तो बहुत मेहनत करते हैं, मैं जस्ट जा लूँगा। दूसरा वाले जो प्रिंसिपल साहब वाले लोग आए, इन लोग बहुत मेहनत भी पढ़ने लिखने वाले, बोले देखिए तू कितना मांगा था सर, हम 20,000। बोला ठीक। तीसरा बिहारी भाई का नंबर था, बोला कि कितना लोगे थे, बोला कि सब बताइए हमको, कोई नहीं बताइए कि बंगाली का कितना मांगा और पंजाबी का कितना मांगा। तो बोला कि कोई दिक्कत नहीं, बोलिए ना। बोला कि सुनिए ना सर, उपास मांगा है 10 मांगा, ऐसा कीजिए सर कि पंजाबी को बुक कीजिए, बंगाली को भेज दीजिए, और जो बचेगा उसको ठीक कीजिए। तो हम लोग लेकिन छुट्टी छुट्टी वाला बिल्कुल नहीं बनाएंगे। हम लोग विद्या विहार में पढ़ते हैं, तो विद्या विधा की उन्नति, विद्या विधा की पात्रता, पात्रता धर्मात्मा की धर्म धर्म का। हम लोग धर्म के लिए नहीं पढ़ रहे, हम लोग धर्म के लिए पढ़ रहे हैं। और धर्म क्या है, विद्यार्थी का आजाद जब भारत हुआ था तो नेहरू जी से पूछा गया, सब लोग गए थे अपने विद्यार्थी लोग भी मिलने गया, तो नेहरू जी से पूछा कि सर सबको काम बता दिए हम लोग क्या करेंगे, तो बोले कि स्टडी। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। देश की बनाने का मतलब ही नहीं है कि आगे खेत में आप काम करने का, वो काम किसान का है। हम सबको नया भारत बनाना है तो अपने हिस्से का हिंदुस्तान बनाना पड़ेगा। हम लोग 1/130 करोड़ का 1/130 करोड़ जो कहते हैं प्रधानमंत्री जी, तो गलत नहीं कहते, सही कहते हैं। हमको अपने हिस्से का हिंदुस्तान अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है और स्वच्छ बनाना है। तो इसके आपको विश्वास के साथ हिंदी की कड़ी आगे बढ़ेगी, आपकी लड़ी उसमें साबित होंगे। इसके आपको विश्वास के साथ कि जहाँ भी रहें आपको यह सोचना है कि मैं ग्रांड मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यू आर ग्रांड मिनिस्टर ऑफ योर पेरेंट, यू आर ग्रांड मिनिस्टर ऑफ योर इन्वायरमेंट एंड यू आर ऑल्सो ग्रांड मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब भी आप यहाँ खड़े हों कोई ऐसा काम लीजिए अपना जीवन जीवन नहीं करना है जिससे मेरे देश का तिरंगा जब फहराता है तो सिर्फ आन बान और शान राष्ट्र का नहीं है, हर व्यक्ति के दिल और अभिमान का है। इसलिए हिंदी कभी गौरवान्वित होगी जब उसके कोई माँ या पिता भी बड़ा कोई सरियाना और टेंट से नहीं होता है, धन और गौरव से नहीं होता, बड़ा होता है अपने पुत्र और पुत्रियों के विकास से। अगर अभी कोई राष्ट्रपति विकास करते उनके बाद बच्चे उनके आँख अगर बढ़ जाएंगे, आप अगर इतने बड़े वैज्ञानिक हो जाएंगे और आपको जर्मनी हम लोग सीखने जाते हैं, जर्मन सीखना पड़ता है, अगर आप इतना बड़ा आदमी हो गए, इतने बड़े वैज्ञानिक हो गए कि लोगों को लगेगा कि बिना हिंदी सीखे जो इनके पास वो नहीं आ सकती है तो लोग सीखे। नालंदा में लोग पढ़ने आते थे, क्यों आते थे नालंदा पश्चिमा में, ज्ञान यही। इसलिए हम लोग जो जितने माँ बेटे हैं सब लोग भारत माँ के सपोर्ट और सुपुत्री, हम लोग हर माँ का एक ही अरमान होता है कि वह सुपुत्र हो और सुपुत्र और सुपुत्री होकर के भारत का इतिहास हम लोगों को नया बनाना है। नया का मतलब ये नहीं है कि पुराने लोगों के सिर पर चढ़ना है, उनके कंधे पर चढ़ करके हम लोग को नए भारत का निर्माण करना है। इसके आपका विश्वास के साथ सबको पुनः पुनः धन्यवाद और अपने आज आने के लिए उनका जो प्रणव जी हैं इन्होंने मुझे विवश किया आने के लिए, तो उनको भी धन्यवाद देते हैं कि मेरी एक बार फिर बुद्धे भारत में आई, फिर से नई जवानी। सब कहते हैं
है ना। तो उद्धव जी ने मुझे उन दिनों की याद दिला दी। आज भी शेक्सपियर लिखता है स्कूल स्कूल में बच्चा वो नहीं जाना चाहता, क्यों नहीं जाना चाहता? हम सोच रहे पढ़ाई को लड़ाई से जोड़ते हैं, पढ़ाई तो विद्या हो जाएगी ना, तो बच्चा घर नहीं जाना चाहता। इसलिए सभी शिक्षकों से यही है, मत डरिए, आनंद सभा का प्रयोग करिए और विद्यालय में बहुत बड़ा खतरा होने की जरूरत नहीं है, दिल बड़ा होगा। और अगर दिल बड़ा होगा तो सब पढ़ जाएंगे, सब बड़े होंगे और सब अच्छे बनेंगे। इसी आपका विश्वास के साथ आप सबों को हिंदी दिवस की बधाई, और सबसे बड़ी बधाई तो यहाँ के विद्यालय परिवार को, आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और हम सबको भाग लेने का अवसर दिया। बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।